तीन दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, जैसा आप लोगों को बताया हूँ वीडियो मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आप लोग कभी मिस्टेक नहीं करना। मैंने इसमें आप लोगों को समझाया कि दो ऑर्डर जब आए तो किस तरह से पिकअप करना है, किस तरह से डिलीवर करना है, ये बातें मैंने आप हाय गाइस सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गल्फ लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ एक नया अपडेट लेके, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जानना ये ज़रूरी है कि जब कभी कभी दो ऑर्डर आ जाते हैं तो दो ऑर्डर हमें जो है किस तरह से उसे एडजस्ट करना है और किस तरह से डिलीवर करना है, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो गाइस अभी दो दिन पहले मेरे पास एक भाई का फ़ोन आया था, उनको एक ही साथ में दो ऑर्डर आया था। और दो ऑर्डर आने के बाद भाई जो है होटल से ऑर्डर को रिसीव किए, और रिसीव करने के बाद वो एक ऑर्डर को पिकअप किए और दूसरे ऑर्डर को पिकअप नहीं किए, तो वो लोकेशन पे चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्हें परेशानी हो रही थी, क्योंकि जब दोनों ऑर्डर पिकअप नहीं करोगे तो आप जो है आपको मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद लोकेशन कस्टमर का खुलेगा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। मैं इंतज़ार कर रहा था कि काश मुझे भी डबल ऑर्डर साथ में आए और मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊं और समझाऊं। तो आज वो दिन आ गया है, मैं आप लोगों को समझा दूं कि किस तरह से, और मुझे जो ऑर्डर आया इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो गाइस देखिए, ये मुझे दो ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन इसमें एक और मसला मेरे साथ खड़ा हो गया है। और कभी भी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, एकदम आराम से डिसीजन लेके काम करें। क्योंकि एक दो ऑर्डर तो साथ में आ गया है, इसके फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा ये है इस ऑर्डर का कि भाई हम एक ही टाइम में दो ऑर्डर जो है साथ साथ में कर लेंगे और हमें फ़ायदा हो जाए। फ्री लॉन्चर वालों का ज़्यादा फ़ायदा है, फ्री लॉन्चर वालों को एक ही समय में दो ऑर्डर, मतलब तो दो ऑर्डर के पैसे मिल जाएंगे। और जो हमारे भाई कंपनी में काम करने आए हैं, उनका एक फ़ायदा ये है कि उन्हें एक ही समय में दो ऑर्डर, उनका टारगेट जो रहता है उसमें दो ऑर्डर कम हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन ये जो आज हमें ऑर्डर आया हुआ है, इसमें दिक्कत है, और बहुत बड़ी दिक्कत है, ये मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए, दो ऑर्डर है और मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि ये इसको किस तरह से पिकअप करना है और किस तरह से जो है लोकेशन को चालू करके और कस्टमर तक जाना है। तो चलिए फिर बताता हूँ, मैं ऑर्डर ले लूँ होटल पे जाके, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का सारा प्रोसीजर बताऊँगा। तो गाइस जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया कि मेरे पास दो ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन इसमें मेरे से गलती हो गई। और मैं ही क्या, हर इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। गलती क्या हो गई है मैं आप लोगों को पहले बता दूं। गलती मेरे से हो गई है कि मैंने जो दो ऑर्डर तो पकड़ लिया और जल्दबाजी में, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर जो आते हैं एक ही साइड के, एक ही होटल के आते हैं, लेकिन मैंने ध्यान ना देते हुए और दोनों ऑर्डर को पकड़ लिया। एक दूसरी दुकान का है, एक दूसरी दुकान का, दोनों मिठाई की ही दुकान है, जिसे अरबी में हलवियात कहते हैं। एक बेकरी है, एक हलवियात है, लेकिन दोनों जो है दोनों एक ही रास्ते पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिलीवर करना है ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। मुश्किल इसलिए है कि एक जो है उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर है जिस जगह पे होटल है, और दूसरा जो है वो दक्षिण की दिशा में 12 किलोमीटर है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन सी दिशा में पहले जाऊँ। तो गाइस यहाँ ना गलती करते हुए हमें अपने हिसाब से डिसीजन लेना है और फैसला करना है, ताकि हमारा और आपका किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि देखिए अमाउंट जो है इसमें एक का जो है 128 रियाल है और दूसरे का 89 रियाल, और दोनों अमाउंट पे नहीं हुए हैं। अगर मुझे ऑर्डर रिसीव करते करते होटल से अगर ये अमाउंट पे हो जाते हैं, तो जो अमाउंट पे कर देगा वहाँ मैं पहले नहीं जाऊँगा, जिसका अमाउंट बाकी रहेगा उसके पास पहले जाऊँगा। तो देखते हैं, अभी तो आ गए हैं बेकरी के पास में, बेकरी से ले लेते हैं, फिर जाएंगे वहाँ हलवियात की दुकान पे, हलवियात की दुकान से लेके फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से पिकअप करना है और किस तरह से डिलीवर करना है। तो चलिए अभी मैं होटल के अंदर जा रहा हूँ, फिर आने के बाद आप लोगों से बात करता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये जो बेकरी वाला ऑर्डर हमें मिल चुका है, और अब हम चल रहे हैं दूसरा जो हलवियात से, मतलब अपने यहाँ मिठाई की दुकान कहते हैं, वहाँ से लेंगे, फिर वहाँ डिसीजन करेंगे कि कहाँ हमें पहले जाना है। और फिर
गाइस देखिए, ये मुझे जो है बेकरी, ये जो लोबिन बेकरी का ऑर्डर मिल चुका है, तो मैं इसे पिकअप कर लेता हूँ। पिकअप करने के बाद फिर मैं चलता हूँ दूसरी दुकान पे, क्योंकि जब हम यहाँ से दूर हटेंगे तो पिकअप नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको पिकअप कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, ये जो है मैं हलवियात फ्लेवर का ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ, और ये आ गया हूँ मैं, पीछे गाड़ी में रख रहा हूँ। रखने के बाद अभी देखिए आगे मैं बैठ रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए गाइस, अब दोनों ऑर्डर मुझे मिल गया, मैं दोनों को पिकअप कर लेता हूँ। तो आप लोगों को मैं यही दिखाना चाहता था। ये देखिए, पहले मैंने इसको क्लिक किया, अब मैं इसको पहले पिकअप कर लेता हूँ। ये मैंने इसको एक को पिकअप कर लिया, फिर आपको यहीं पे दूसरे को भी पिकअप कर लेना है। ये दूसरे को भी यहीं पे पिकअप कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे पिकअप नहीं करोगे तो फिर आगे जाके नहीं पिकअप होगा और ना ही कस्टमर का लोकेशन खुलेगा। तो ये मैं दूसरे को भी पिकअप कर लिया हूँ। अब मैं डिसाइड करता हूँ, पहले जो जाना है, पहले 128 वाला जो अमाउंट है उस पर जाना है, तो मैं पहले इस पर जा रहा हूँ। ये मैं इसका लोकेशन चालू कर दिया, कट कर दो भाई। देखिए गाइस, ये कस्टमर का घर है और मैं आ गया हूँ। ये जो पहला ऑर्डर है इसको मैंने दे दिया है, अब मैं इसको जो है डिलीवर करता हूँ। ये देखिए, मैं इसको डिलीवर करता हूँ और ये ऑर्डर डिलीवर हो गया। अब ये दूसरा वाला, दूसरे वाले को मैं लोकेशन चालू करता हूँ। दिक्कत तो थोड़ा बढ़ गई है, ये दूसरे वाले का लोकेशन यहाँ से 14 किलोमीटर है, अब मुझे जाना है। सोचिए, होटल से भी 12 किलोमीटर था, यहाँ से 14 किलोमीटर जाना है, और दूसरे रास्ते से, अगर उस रास्ते से आऊँगा तो 24 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए फिर चलता हूँ दूसरे कस्टमर के पास और देखता हूँ दूसरे कस्टमर का रिएक्शन क्या होता है। और गाइस, ऐसी गलती आप मत करना, हम तो कर लिए हैं और संभाल भी लिए हैं, शायद आप लोग संभाल ना सकें इसको। तो मेरी कोशिश है आप लोगों को अच्छी बातें बताना और कायदे से समझाना। तो गाइस, वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि हमारे जो भाई आए हुए हैं उन्हें मालूमात पक्की रहे, आगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर दूसरे कस्टमर के लोकेशन पे, उसके बाद जो भी बात है हम बात करेंगे आप लोगों से। देखिए, ये जो मैं कस्टमर को दे रहा हूँ, और ये चलेंगे। तो गाइस, मैंने जो है दोनों डिलीवरी दे दिया हूँ, अब मैं इसको भी डिलीवर करता हूँ और चलता हूँ फिर दूसरे ऑर्डर के लिए, और आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये इसमें क्लिक किया, ओके किया, ये हो गया डिलीवर खलास, मेरे पास से दोनों ऑर्डर खलास हो चुके हैं। और ये देखिए, ये जो अमाउंट है और ये सारे ऑर्डर जो मैंने किए हैं आज। तो गाइस देखिए, मेरी कोशिश रहती है आप लोगों को जो है क्लियर जो है बात बताऊं और अच्छे से समझाऊं, तो इसलिए मैं कोशिश करता रहता हूं। और दो तीन दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, जैसा आप लोगों को बताया है वीडियो में, और मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आप लोग कभी मिस्टेक नहीं करना। मैंने इसमें आप लोगों को समझाया कि दो ऑर्डर जब आए तो किस तरह से पिकअप करना है, किस तरह से डिलीवर करना है, ये बातें मैंने आप लोगों को समझाई है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्योंकि दो दिन पहले जिस भाई का फ़ोन आया था, वो इसी मसले में अटक गए थे, तभी से मेरे दिमाग में था कि कभी मेरे को दो ऑर्डर आया एक साथ में, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को डालूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो उम्मीद करता हूं कि आज का अपडेट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइस, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।